हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माउली के घर से। यहाँ पे देखो सूर्योदय हो चुका है। हम इनके टेरेस पे थे, घर देखने के लिए आए थे। इनका स्लैब वगैरह हो गया ना, सब कुछ फाइनल हो गया। सिर्फ अभी इसके ऊपर ऐसे दीवार वगैरह बनेंगी, देखने के लिए आ गए थे। ये देखो इनके घर के सामने गोदावरी नदी है, बहुत ही मस्त दिख रहा है यहाँ से तो अभी। और सूर्य देवता भी आ गए। तो भाई मेरा ब्लॉग ही अपलोड नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लग गया आज का ब्लॉग अपलोड होने के लिए, इसलिए मुझे नींद जल्दी उठना पड़ा। सुबह नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी। हमारी ब्लैक ब्यूटी देखो कहाँ खड़ी। लगभग सारा काम हो गया अभी, ये सब कुछ हो गया, ये भी हो गया बाहर का। मस्त व्यू है यहाँ से, ऐसे देख सकते बाहर गोदावरी नदी। चलो भाई अभी निकलना होगा। पायल तो सोई हुई है अभी तक, घर पे होते तो 6 बजे उठ जाती है, अभी 8 बजे है तभी उठी नहीं है, ऐसी तो लड़की है। माउली भी उठ गया मेरी वजह से आज सुबह सुबह ब्लॉग अपलोड करने के लिए। और निकलना है हमें। पायल की कौन सी रूम है पायल? पायल पायल के लिए टॉयलेट है क्या? हाँ पायल की ये रूम है, तुम्हारी ये रूम है। नजर आए पता चलेगा उधर एक रूम बनाने के ना गांव में। भाई अभी हमें ना जल्दी से घर जाना होगा क्योंकि मकर संक्रांति की शॉपिंग करनी है सुनील के वाइफ के लिए, तो उसका उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमें जाना होगा। पायल जल्दी, कैसा लग रहा है? तुम्हारे पापा ने इतना अच्छा घर बना दिया तुम लोगों के लिए। बहुत अच्छा, पर मेरे शादी के बाद बना। वो तो बहुत अच्छा। माउली शादी नहीं होती, माउली अकेला मालिक रहने वाला है इस घर का। थोबड़ा देखो थोबड़ा। मस्त रेडी हो चुके हैं, अभी पायल रेडी होनी बाकी है सिर्फ। हम जा रहे हैं पायल के भाई को मिलने के लिए, उसको कुछ हुआ है। क्या हुआ है? चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन पॉक्स। चलो भाई, पायल का दोस्त मिल गया इधर, शेरा। सभी भाइयों को मिल लिया है हमने, पायल के मेरे भी भाई लगते थे पहले शादी से पहले, अब साले लगने शुरू हो गए वो। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं माउली के घर, फिर पायल नाश्ता करेगी। मुझे तो इन लोगों ने बोला भी नहीं कुछ खाओगे पियोगे, कुछ पिलाया खिलाया नहीं, अभी वैसे ही जा रहा हूँ मैं घर। चलो भाई निकलने का टाइम हो चुका है, अभी एक और मामा जी के घर पे जाना है हमें। भाई इतना टाइम पास होता है ना इधर आने के बाद, क्या करूँ कुछ समझता नहीं। मैं अवॉइड करता हूँ इधर आना, पर आने के बाद बहुत टाइम पास हो जाता है। ये पायल की जो फैमिली ना, बहुत बड़ी फैमिली है, ये इनके घर जाना है और एक मामा जी बाहर ही खड़े अभी। ये अच्छा मोड़े गेटअप वाला है। तो भाई निकल चुके हैं हम लोग, अभी अभी सीधा जाएंगे येवला, और येवला में हमें कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि सुनील की जो बीवी है उसके लिए संक्रांति लेके जानी है हमें, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। तो हम दोनों रुकने वाले हैं येवला में, और मम्मी पापा भी घर से आने वाले हैं, और शायद सुनील भी आ जाएगा। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में ओला में। जो पायल पेरू लेके आओ, जरा ताजे ताजे पेरू लेके आओ, विटामिन सी रहता है उसमें। और बार्गेनिंग करना ठीक है, पायल को है ना बार्गेनिंग का स्किल ही नहीं है भाई, मतलब ठीक है पैसे आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, एक स्किल है पता है, नेगोशिएशन एक स्किल है, वो हर जगह काम आता है। पर ये पायल है ना, जो बोला वो दे देती है पैसा। बार्गेनिंग क्या, कितना? 80 रुपए किलो से। हाँ तो मैंने डेढ़ से भी ऊपर है, डेढ़ से, हाँ डेढ़ से भी ऊपर है, वो 100 में लाए। पहुंच गए हमें ओला में, और अभी यहाँ से फटाफट शॉपिंग करनी है। मोबाइल को चार्जिंग थोड़ी कम है तो फटाफट ब्लॉग बनाना पड़ेगा, और अभी हम जाएंगे मदनेश्वर महादेव मंदिर में। हे भगवान जल्दी शॉपिंग होने दे। तो घर से मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो जाते हैं फटाफट
कुछ मेकअप का सामान लेना है, कुछ साड़ियाँ लेनी है। जैसे दिवाली को शॉपिंग की थी ना वैसे ही। तो दोस्तों संक्रांत आने वाली है ना, अब एक दो दिन में संक्रांति है ना, तो एक त्यौहार होता है, तो उसके लिए जो नई नई जब शादी फिक्स होती है ना उस टाइम पे वो आपको लेके जाना पड़ता है। जैसे दिवाली को लेके गए थे ना हम लोग वैसे। और यहाँ पे देखो संक्रांति आने वाले, इसलिए हर गाड़ी को ऐसा लगा के रखा है क्योंकि पतंग उड़ते रहते हैं ना, उसका मांजा है ना लग जाता है गले को। ये देखो ये सामने से एक गाड़ी आ रही है, देखो वैसा सीन हो जाता है। यहाँ से मेहंदी लेके जाएंगे हम, यहाँ से जा जाते हैं। ये देखो भाई पतंग का भी स्टॉल लग चुका है, यहाँ पे भी पतंग है और वहाँ पे बड़ा वाला पतंग है। और ये देखो भाई मांजा लगाने के लिए ये होता है आसरी। बचपन में बहुत पतंग उड़ाए हमने, तो यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है। तो हमारी मम्मी जी तो आगे आके खड़ी है। ये हमारे दोस्त का शॉप है येवला में, अगर आपको आना है तो आ सकते हो कभी भी, कुछ भी आपको गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं। दीपक बोगस का जाले दुकान, मम्मी क्या क्या लेना है? पहले कैसे होता था लड़कियों को है ना ज़्यादा ऐसे बाहर जाने की छूट नहीं देना, तो फिर उनका ऐसे गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे, पर अभी तो ज़माना बदल चुका है ना पूरा। हमारे हमारे बीवी जी का कमाल देखो, उनकी एक चप्पल गटर में गिर गई। वो देखो यहाँ पे। तो दोस्तों थोड़ी देर में ना मेरे दोस्त के दुकान का मालिक बन चुका हूँ न्यू कल्याणी गिफ्ट आर्टिकल, वो गया है कुछ सामान नहीं था तो यहाँ पे मैं देख रहा था, और एक कस्टमर भी आया था उसको रुमाल चाहिए था, तो मैंने उसको बोला भाई मैं अभी अभी जॉब को लगा हूँ इधर, मुझे एक ही दिन हुआ है, मुझे इतना पता नहीं किधर क्या है, पर फिर भी मैंने तीन रुमाल ढूंढ के रखे। तो अभी मैं इधर फाइनली काम करने लगा हूँ दोस्तों। कैसा है मेरा न्यू जॉब, पार्ट टाइम जॉब? अच्छा है क्या? क्या सब सामान इसके यहाँ पे? आ सकते हो आप, मतलब अगर येवला के हो, आसपास के हो तो आ जाना इस दुकान पे, अच्छा है। अभी हमें निकालनी है पायल की चप्पल, उसके लिए हमें चले लगेगी तार। तार मिल चुकी है, लकड़ी भी मिल चुकी है और चप्पल वहाँ रही। ये देखो भाई इसको लाया हमने ऊपर, अभी सूखने के लिए रखना पड़ेगा इसको, फिर ये बन के रेडी हो जाएगी पायल को पहनने के लिए। और जस्ट नाउ मैंने मेरे 500 रुपये सेव कर लिए। कैसा लगा मेरा आइडिया, कैसा लगा जुगाड़? मैंने सोचा गटर से चप्पल निकालना अच्छा है 500 रुपये खर्च करने। जस्ट किडिंग दोस्तों, मुझे ना एक चैलेंज लगा, वो निकल ही नहीं रही थी ऊपर, तो मैंने सोचा चलो निकाल के देखते। हस्बैंड अपने वाइफ के लिए गटर से चप्पल निकाल लेगा और वाइफ फिर भी बोलेगी मेरे लिए आपने क्या किया है। मम्मी पापा आ गए, काय के गए से? पर ये साज है लड़की के लिए संक्रांति के लिए। ये देखो चारों तरफ सिर्फ पतंग ही पतंग है आज। और अभी मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र सेल, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीजें खरीदनी थी। पायल और मम्मी तो पहले जा चुके उधर, चलो भाई यहाँ पे लड़की के जो चाची लोग होते हैं ना उनके लिए ये देना पड़ता है, वान बोलते हैं उसे, संक्रांति के टाइम देने पड़ते हैं। तो हर एक के लिए एक एक ऐसा ले लिया है मम्मी ने। बहुत बड़ा दुकान है, तो ये अच्छा है भाई, ये ले लेते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ कर लेना, पर लड़कियों के साथ लेडीज़ के साथ शॉपिंग करने के लिए खुद ही खाना। सुबह से अभी 3 बज रहे हैं, इधर खड़ा हूँ मैं उनके साथ, अभी चल ही रहा है उनका, जो दिखता है रास्ते में जो दिखता है ना उनको लेना है, अभी जा रहे हैं ना। ये देखो उनको हाथ में ना बैंगन पहनने दिख रहा है, वो ले ले। अभी सामने कुछ भी दुकान हो, क्या है कैसा होता है इनका दिमाग, कैसे काम करता है इनको ही पता। तो भाई हम लोग आए पैठनी खरीदने के लिए, चलो एक साड़ी भी देनी होती है ना, ब्लैक साड़ी, ब्लैक साड़ी दे देंगे हम उनको। फिर से सेम दुकान में आए हम लोग साड़ी खरीदने के लिए।
हमारी एक साड़ी फाइनल हो चुकी है। निकलते भाई, बहुत टाइम हो गया, मेरे को तो नींद आ रही है। शॉपिंग करके थक गए भाई, बिल भर भर के तो मैं भी थक गया। कुछ खा लेते हैं स्वीट। अरे इनको तो कुछ नहीं दिया हमने। हाँ, माँ बाप भूखे और बेटे खा रहे। आ गए भाई, इनको भी खाना आ गया। ट्रैफिक जाम। चलो भाई पहुंच गए हम लोग घर। सब निकालो भाई, घर देख के कितना अच्छा लग रहा है मुझे भाई। अभी ना मैं मस्त सोऊंगा, घर आने के बाद जो खुशी हुई ना मुझे, ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद घर आए हूँ। यहाँ पे डब्बा किसका है भाई? दोस्तों आपका भाई 3 घंटे सो के उठा है और भाई की आवाज़ चेंज हो चुकी है, आंखें सूज चुकी है और ज़बरदस्ती उठाया गया मुझे। इतनी खतरनाक नींद लगी ना भाई, भाई मेरे ये हो जाएगी ना भाई चप्पल। नींद इतनी है ना कि चप्पल दूसरी पहन रहा हो, एक पैर में दूसरी, इस पैर में दूसरी। अब यार ये देखो भाई, बाहर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। तो भाई सब मकर संक्रांति का सामान आ चुका है घर पे, लड़के के घर लेके जाना पड़ेगा। और वही वो की भी संक्रांति आ गई है। क्या मिला भाई तुझे संक्रांति में? मैंने अभी तक देखी नहीं। हाँ ये देखो भाई, ये पूजा के लिए ये लेना पड़ता है, फिर ये लेडीज को देना पड़ता है गिफ्ट। सात प्रकार के वाहन है, फटाके भी है क्या? फटाके नहीं, इस टाइप वाली को रहते हो। पतंग लाए क्या? पतंग? हाँ पतंग, पतंग पतंग लाना चाहिए। पतंग वहां से आएगा क्या? उनके घर से देंगे ना? नहीं दोला देंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।